आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। मराठी भाषियों ने दिखाया एकता का भव्य दर्शन, बच्चों से खिले स्कूल के परिसर, प्रियंका गांधी ने की वादों की बरसात, कश्मीर की वादी में आतंकवादी मारा गया, त्योहारी दिनों में महंगाई का कहर, भूकंप ने सातारा रत्नागिरी के साथ संगमेश्वर को धक्का। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी, घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभे राहणारे नाव म्हणजेच अणवेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अणवेकर गोल्ड, अणवेकर गोल्ड, 888-43-888-63। अब समाचार विस्तार से। पूरे शहर और तालुका के मराठी भाइयों और बहनों ने मराठी भाषियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया। विभिन्न अन्यायों के विरोध में मराठी भाषी सोमवार को सड़क पर उतर आए। मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा आयोजित मोर्चा में बड़ी संख्या में मराठी भाषियों ने भाग लेने का फैसला किया था। भव्य शोभा यात्रा धर्मवीर संभाजी चौक से शुरू हुई। कर्नाटक प्रशासन को मराठी भाषियों की ताकत दिखाने का संकल्प सभी स्तरों पर व्यक्त किया गया। इस भव्य मोर्चा का नेतृत्व महाराष्ट्र एकीकरण समिति, शिवसेना, युवा समिति, तालुका युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य संगठनों ने किया। और पिछले कुछ दिनों से समिति द्वारा उन सभी मामलों में प्रशासन को जवाबदेह ठहराने के लिए एक मोर्चा का आयोजन किया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा कमेटी नेताओं पर मोर्चा न निकलने का दबाव बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि दबाव के कारण मराठी भाषियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इस मोर्चा को सफल बनाया। बच्चों से किले स्कूल के परिसर। पिछले 1.5 साल से अपने शिक्षा के अधिकार का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए सोमवार को स्कूल के कपाट खुल गए और बच्चों का रुझान स्कूल की ओर बढ़ता गया। अभिभावक जब बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे तो स्कूल ने उनका स्वागत किया। आसमान में गुब्बारों को छोड़कर, बैंड की थाप पर और उत्साहपूर्ण माहौल में बच्चों का स्वागत किया गया, जिसने उसके सुखद शैक्षणिक वर्ष की कामना की। शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ सैनिटाइजर के उपयोग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। छात्रों के साथ साथ अभिभावकों ने छात्रों के भविष्य के लिए कुछ चिंता व्यक्त की है और उन्हें स्कूल यात्रा की शुभकामनाएं दी है। प्रियंका गांधी ने की वादों की बरसात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने घोषणा की है कि राज्य में सरकार बनने के बाद पार्टी 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सभी ने देखा, जो वर्तमान सरकार की उदासीनता और उपेक्षा का परिणाम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसमें 7 चीजों का वादा किया गया था। कश्मीर की वादी में आतंकवादी मारा गया। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के एक जंगल में रविवार को आतंकवादियों ने सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान पर गोलियां चला दी। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया और 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। भेड़ के भट्टा दूरिया जंगल में भारी गोलीबारी और विस्फोट की खबरें आई हैं, जो एक व्यापक तलाशी अभियान के साथ साथ पास के सुरनकोट के जंगल और राजौरी जिले के थाना मंडी जंगल में है। रविवार को अभियान का 14वां दिन था।
11 और 14 अक्टूबर को क्रमशः सुरनकोट और मेंढर में अलग अलग मुठभेड़ों में नौसेना के जवान मारे गए थे। हमले में 2 पुलिसकर्मी, सेना का एक जवान और 4 अन्य आतंकवादी लश्कर ए तैयबा से संबंध एक पाकिस्तानी आतंकवादी जिया मुस्तफा घायल हो गए। कैदी मुस्तफा को आतंकियों के ठिकाने दिखाने के लिए जंगल में ले जाया गया। तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही दस्ता बेस के पास पहुंचा, आतंकवादियों ने दस्ते पर गोलियां चला दी। घायल मुस्तफा की बाद में मौत हो गई। त्योहारी दिनों में महंगाई का कहर। महंगाई बढ़ने से आम जनता संकट का सामना कर रही है। दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने अन्य सभी कारकों को प्रभावित किया है। इससे आम आदमी को त्योहार मनाते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवहन के लिए आवश्यक ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण दैनिक आवश्यकताओं की कीमतों में वृद्धि भी अपरिहार्य होती जा रही है। नतीजतन नागरिकों को आने वाले त्योहारी सीजन में महंगाई का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन त्योहार मनाते हुए आम लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। आम आदमी को दैनिक आवश्यकताओं, खाद्य तेलों और अन्य वस्तुओं की खरीद में खुद को संभालने के लिए छोड़ दिया जाएगा। नतीजतन आने वाले त्योहार के दिनों में नागरिकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। भूकंप ने सातारा रत्नागिरी के साथ संगमेश्वर को धक्का। भूकंप ने सोमवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा और कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले को प्रभावित किया। देवरुख और संगमेश्वर के बीच झटके महसूस हो रहे हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.46 मापी गई। सातारा में कोयना बांध क्षेत्र भी भूकंप से हिल गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम देवारुख संगमेश्वर के बेल्ट में झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप के सटीक स्थान का पता नहीं चल पाया, लेकिन भूकंप शाम 5:17 महसूस किया गया। 4.46 पैमाने का भूकंप आया था। पता चला है कि इसका केंद्र 5 किलोमीटर के दायरे में है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटका, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaon. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहाँ हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243-5777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम शहर एक शांतिपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है। इसी तरह यहाँ स्थित शिक्षा केंद्र होने के कारण हमेशा विदेशियों की भीड़ लगी रहती है। बेलगाम में होटल और लॉजिंग का व्यवसाय इन्हीं विदेशियों के संवाद से चल रहा है। यही कारण है कि बेलगाम शहर और उसके परिवेश ने गुणवत्तापूर्ण होटलों और लॉज के विकास को देखा है। हालांकि पुलिस ने अब सतर्कता के लिए लॉज की जांच शुरू कर दी है, जिससे व्यापारी दहशत में हैं। पुलिस को शक है कि इनमें से कुछ नामी लॉज में कदाचार हो रहा है। हालांकि यह होटल और लॉजिंग व्यवसाय को बदनाम करने का जोखिम भी बढ़ाता है, इसे लेकर फिलहाल होटल व्यवसायी परेशान है। बेलगाम शहर अपनी उत्कृष्ट खाद्य संस्कृति और आतिथ्य के लिए जाना जाता है। दूर दराज के शहरों से इतने सारे उद्यमी और व्यवसायी यहाँ रहते हैं। हालांकि हाल के दिनों में शहर में अशांति की कुछ घटनाओं ने पुलिस को सतर्क कर दिया है। उन्होंने शहर की सुरक्षा के लिए यह तलाशी अभियान शुरू किया है। हालांकि प्रतिक्रिया यह है कि संकट व्यापारियों के लिए निराशा का स्रोत है।
स्कूल प्रारंभ के लिए हिंडलगा में स्वागत समारोह। भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल ने 20 महीने बाद शुरू हो रहे सरकारी मराठी मॉडल स्कूल हिंडलगा और सरकारी कन्नड़ प्राइमरी स्कूल दोनों के पहली से पांचवी तक के छात्रों के लिए स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। धनंजय यादव ने कहा, कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से पूरी दुनिया इस संकट का सामना कर रही है। हमने उस संकट को पार कर लिया है और अब हमने पहली से पांचवी तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। ग्रामीण की ओर से उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय यादव के नेतृत्व में दोनों विद्यालयों में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विद्यालय की सफाई, रंगोली, फूल, गुब्बारों का स्वागत, चॉकलेट बांटकर, मास्क बांटकर छात्रों का भव्य स्वागत किया। मराठी स्कूल की प्रधान अध्यापिका श्रीमती बीएन बालेकुंद्री ने भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। शहर की शांति भंग करने का प्रयास। रविवार रात काकतीवेस इलाके में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बोतलें फेंकने के बाद कुछ समय से तनाव चल रहा था। इसे देखते हुए इलाके में पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से शहर और आसपास के इलाकों में अशांति व्याप्त है, इसके चलते शहरवासियों में आक्रोश है। रविवार रात करीब 10:30 बजे काकतीवेस इलाके में अज्ञात लोगों ने पत्थर और बोतलें फेंकी। घटना की जानकारी मिलने पर खड़े बाजार पुलिस निरीक्षक निम्बालकर, उप निरीक्षक, व्यापारी और सहकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शीशा अलग कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में अतिरिक्त मदद मांगी गई। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दौरान बेलगाम में 2 परीक्षा केंद्रों पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से नकल करने के आरोप में 2 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। खरे बाजार और कैंप थाने में मामला दर्ज किया गया है। रायबाग पुलिस निरीक्षक HSD मुल्ला ने खड़े बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई। वनिता विद्यालय में कैंप पुलिस ने एक महिला परीक्षार्थी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग करके इसी तरह की नकल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वनिता विद्यालय में परीक्षा दे रही एक युवती ने कान में उपकरण लगाकर बैटरी को कहीं और छिपा दिया था, वो भी मिल गई और कैंप पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को पुलिस कांस्टेबल पद के लिए 5,700 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षार्थियों को जाँच के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कित्तूर उत्सव का समापन। पिछले 2 दिनों से चल रहे कित्तूर उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई गई। प्रमुख कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके बाद 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया। इस बार विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के कुलपति प्राध्यापक डॉक्टर एम रामचंद्र गौड़ा ने स्वागत किया। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कर्नाटक की बसें मीरठ से वापस भेजी गई। कर्नाटक परिवहन निगम की बसें जब मीरठ स्टेशन पर पहुंची तो हंगामा मच गया। राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों ने बसों को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि उन्हें बिना अनुमति के महाराष्ट्र में फिर से प्रवेश नहीं करना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र के यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट के बिना कर्नाटक में प्रवेश करने से रोक दिया था, इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बसें महिसाल और कागवाड़ के बीच सीमा तक चल रही थी। कोरोना मरीजों की घटती संख्या के बावजूद कर्नाटक सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र पर लगाए गए नियमों में ढील नहीं दी है। हालांकि कर्नाटक से यात्रियों को महाराष्ट्र सीमा पर लाने की प्रथा कर्नाटक निगम द्वारा शुरू की गई थी। रविवार को अथनी डिपो से कुछ बसें बिना अनुमति के सीधे मीरठ स्टैंड पर पहुंच गई। अंतर जिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन परीक्षा प्रतियोगिता जोरों पर। बेलगाम जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से अंतर जिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन परीक्षा रविवार 24 को जिला क्रीडांगन में हुई। टेस्ट और प्रतियोगिता 14 और 17 वर्षीय खिलाड़ियों के लिए थी। टूर्नामेंट में कुल 250 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले 3 विजेताओं को प्रमाण पत्र, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले एथलीटों से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्पोर्ट के मालिक कैप्टन श्री चंद्रकांत कडोलकर ने प्रदान किया। धारवाड़ जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव श्री KS भीमाना उपस्थित थे। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन बेलगाम जिला एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव श्री अशोक शिंत्रे और क्रीडा भारती के कार्यकर्ता श्री परशुराम मंगनाईक की उपस्थिति में किया गया। हार के बाद अब हार्दिक पांड्या का धक्का। T20 वर्ल्ड कप खिताब की दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम को अपने पहले ही मैच में बड़ा झटका लगा है। रविवार को खेले गए टॉप 12 मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट और 13 गेंद से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी के गेंद पर पाकिस्तान को 2 रन की बढ़त दिलाई। विश्व कप में भारत को कभी नहीं हराने वाले पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़कर और भारत को बड़ा झटका देकर इतिहास रच दिया। इस बीच भारतीय टीम के लिए एक और चिंता का विषय सामने आया है।
गेंद के दाहिने हाथ में लगने के बाद भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को स्कैन के लिए भेजा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक के हाथ में गेंद थी। हार्दिक इस मैच में 8 गेंदों पर केवल 11 रन ही बना सके। हाथ में गेंद लगने से चोटिल हुए हार्दिक पांड्या फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं आए। विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर पहचाने जाने वाले हार्दिक पांड्या की चोट से विराट कोहली चिंतित है। आईपीएल प्रसारण अधिकार से बीसीसीआई का 5 अरब का राजस्व। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 20 क्रिकेट के प्रसारण अधिकार से लगभग 5 बिलियन कमा सकता है। वर्तमान आईपीएल प्रसारण अधिकार स्टार इंडिया के पास है। फिलहाल इन अधिकारों की कीमत 2.55 अरब रुपए है। अगले सीजन में आईपीएल में 2 और टीमों के जुड़ने से मैचों की संख्या 74 हो जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि लॉन्च राइट्स के जरिए बीसीसीआई के खाते में 5 अरब रुपए जमा किए जा सकते हैं। एक प्रतिष्ठित विदेशी प्रसारण कंपनी ने भी आगामी लॉन्च राइट्स रेस में रुचि दिखाई है। अगले कुछ दिनों में आईपीएल की 2 टीमों की नीलामी की जाएगी, जिसमें हर एक टीम को 7,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच मिलने की उम्मीद है। पिछले लॉन्च अधिकारों की दौड़ में स्टार इंडिया और सोनी 2 सबसे बड़े दावेदार थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।